हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं मैथकोम, और फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं डिप्लोमा के, उन सभी का मैथकोम स्वागत करता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर कम्प्लीट कर लिए हैं। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री से उन एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, वो वाले वीडियो पहले देखिए, ताकि ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके। आज वाला वीडियो बेसिकली फॉर्मूले से रिलेटेड है, और फॉर्मूले हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले किस तरह से होते हैं, उनका यूज किस तरह से किया जाता है, उस पर सारी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। उन्हें ये कह दें डिप्लोमा मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है और रेगुलर चल रही है। अल्टरनेट डेज पे रात को 9 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आ जाता है, और उस वीडियो में मैं कंप्लीटली लाइव रहता हूँ, और आप लोग अगर कोई कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई भी मैं उसी समय कर देता हूँ। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे जूम पर भी बात कर सकता है। इसके अलावा आप पुराने वीडियो को देखें फिर भी समझ में नहीं आता है, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो के अंत में जो नोट्स क्रिएट होंगे वो वाले नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे फॉर्मूले से रिलेटेड, और कोई भी फ्रेंड आपका जो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी डिप्लोमा कर रहा है तो उसके भी कोर्स में कहीं ना कहीं ये वाला सब्जेक्ट है, तो आप उसके साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी देख ले और अपने आप को प्रिपेयर कर ले मैथमेटिक्स के जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए। आज वाला चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बनती है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसमें जो हमारे पास वैल्यूज रहती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज रहती है। अगर इनके अलावा अगर हमसे वो क्वेश्चन में पूछता है कि आप साइन 60 की वैल्यू निकाल के बताओ, तो हम टेबल से निकाल के बता देते हैं। इसके अलावा भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इसको 90 के फैक्टर में ब्रेक करके। अगर वो पूछ लेता है हमें वैल्यू क्वेश्चन में कि साइन 45 की वैल्यू निकाल के बताओ, साइन 75 की वैल्यू बताओ आप, तो साइन 75 की वैल्यू कहीं टेबल में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस 75 को ब्रेक करेंगे 90 से भी। अगर मैं ब्रेक करने जाता हूँ तो साइन 75 को 90 ऐसे लिख पाऊंगा मैं, साइन 90 माइनस 15, तो उसमें हमें 90 की वैल्यू तो पता है बट इस साइन 15 की वापस में फंस जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो एंगल दे रखा है, ध्यान से सुनना इसको, हमें जो एंगल दे रखा है उसको इस तरह ब्रेक करना है, जो ब्रेक करने के बाद जो एंगल आए वो एंगल हमारी टेबल में रहना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूंगा, साइन 75 को ब्रेक कैसे कर सकता हूं मैं, साइन 75 को ब्रेक कर सकता हूं साइन 45 प्लस 30, इस तरह ब्रेक किया जा सकता है। साइन 45 की वैल्यू भी टेबल में पता है मुझे, साइन 30 की वैल्यू भी मुझे टेबल में पता है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इन एंगल को जो कहा जाता है, ये जब ब्रेक करने के बाद जो एंगल आते हैं, इन एंगल को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बोर मत होना, थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है, पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए थ्योरी जरूरी है। इन एंगल को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। इन कंपाउंड एंगल की हेल्प से हम साइन 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर मैं बात करूँ साइन 105, साइन ही नहीं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं साइन 105 की बात करूँ तो अगर मैं आपको ब्रेक करने कहूँ आपके दिमाग में सीधा एक ही आएगा, 90 प्लस 15, 90 की वैल्यू तो फिर वापस निकाल लोगे, बट ये 90 पे चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, क्या बन जाएगा cos 15 की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे आप। तो उस समय हम इसको ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे, हम क्या ब्रेक करेंगे अब सोचो, आप लोग दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ब्रेक कर सकते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है। हम इसको ब्रेक करेंगे साइन 60 प्लस 45। अब देखो 60 45 कितना होता है, 105 भी होता है, और दोनों की वैल्यू भी मुझे पता है, तो अब फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, फॉर्मूला लगा के सोल्व करूंगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने आज वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले ध्यान से देख लो ताकि आगे वाली एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर पाओ। वीडियो समझ में आता है तो कमेंट और लाइक भी जरूर करें, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। फॉर्मूले की बात करता हूँ, ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, इस तरह याद रखोगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन प्लस कोस ए साइन बी। साइन वाले में दोनों अलग अलग आएंगे एक साथ, साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी।
इसी तरह मैं एक माइनस वाला भी बताता हूँ, डिफरेंस वाला। अगर यह माइनस हो जाता प्लस की जगह, इस फॉर्मूले में भी यहाँ पर माइनस हो जाता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। याद रखो साइन वाले में दोनों अलग अलग आएंगे, यहाँ माइनस हो यहाँ जो साइन होगा सेम साइन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह मैं कोस वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कैसे याद रखोगे, कोस वाले में क्या होता है, दोनों सेम वाले एक साथ आते हैं। इसमें साइन कोस कोस साइन था, यहाँ पे कोस कोस और साइन साइन एक साथ आएगा। अब यहाँ क्या चेंज है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ये याद रखना, यही गलती होती है कोस वाले फॉर्मूले में। कोस वाले फॉर्मूले में यहाँ का जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पे जो साइन दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा, और इसके अलावा कोस कोस एक साथ रहेंगे, साइन साइन एक साथ रहेंगे। थर्ड फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ मैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा टेन ए प्लस बी का, थोड़ा सा टिपिकल दिखता है बट दो बार तीन बार पढ़ोगे ना तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। कैसे याद रखोगे, टेन ए प्लस बी है, टेन ए टेन बी बीच में प्लस अपॉन वन माइनस टेन टेन बी। यहाँ जो साइन है वो का वो साइन यहाँ आएगा, नीचे इसका अपोजिट साइन आने वाला है। ये वाला साइन यहाँ आएगा और इसका अपोजिट साइन नीचे की तरफ आएगा। अब देखो यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, इस प्लस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर पाओगे, टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। इसी में एक फॉर्मूला और आता है, इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप टेन का ही। टेन में क्या करता है, ए की जगह क्या कर देगा, पाई बाय फोर दे देगा। मतलब पाई बाय फोर मतलब कितना होता है बताओ, पाई बाय फोर मतलब होता है 45, कितना होता है 45। तो यहाँ ए की जगह क्या है, पाई बाय फोर, तो ऐसे लिखोगे टेन पाई बाय फोर प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन बी, ये लिखोगे। अब टेन पाई बाय फोर की वैल्यू जब आप टेबल से ढूंढने जाते हो तो वो वैल्यू होती है वन, तो इसको क्या लिख दूंगा, वन प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी। डायरेक्ट ऐसे याद रखो, टेन पाई बाय फोर प्लस बी क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस आ जाता, नीचे प्लस आ जाता, जस्ट अपोजिट हो जाता। ये तो चार, एक दो तीन चार, चार फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछने वाला नहीं है, इन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स को पता होना चाहिए फॉर्मूले कब कहाँ अप्लाई करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कोई प्रूफ पूछने वाला नहीं है। एक और फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले और है जो काफ़ी यूजफुल रहते हैं हमारे क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, ये देखो। हम क्या जानते हैं, एलजेब्रा में हमारे पास फॉर्मूला होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, यहाँ दोनों जगह साइन लगा दो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ साइन लगा तो इधर भी साइन लगा दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला सिंपल। या फिर अगर इसको कोस की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कोस में बी पहले आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। इसके बाद इसी का एक और भाई है, यहाँ पे अगर मैं साइन की जगह कोस लगा देता, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, उस केस में क्या होता, देखो कोस लगा देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस में क्या होगा, दोनों अलग अलग आएंगे, कोस में क्या होगा, दोनों अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर अगर बी वाला एंगल पहले लूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा, ए पहले लो तो ये रह जाएगा, बी एंगल पहले लो तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें अगर साइन की फॉर्म में लिखते हैं तो साइन ए साइन बी होगा, और कोस की फॉर्म में लिखते हैं कोस बी कोस ए होगा। ये दो फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जामिनेशन में, और अपनी एक्सरसाइज में भी दो चार क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे।
ये तो होगी फॉर्मूले की बात, आप लोगों ने चार पांच फॉर्मूले पढ़ लिए, इसके बाद कोई फॉर्मूला पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन में आप लोगों को इजी बता देता हूँ। एग्जांपल वन देख लेते हैं हम लोग, साइन 75 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या बताया था इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 45 + 30, साइन 45 + 30 मतलब साइन ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन वाले में दोनों सेम एक साथ रहते हैं तो क्या हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, साइन ए की वैल्यू कितनी है बताओ 45, कोस बी की वैल्यू कितनी है 30, प्लस कोस कोस ए कितना है कोस 45, साइन बी कितना है साइन 30। अब इनकी वैल्यू याद रखना आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो पिछला लेक्चर देखो, वहाँ बताया मैंने वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं। साइन 45 क्या होगा, साइन 45 होता है 1/√2, ये रख दिया। साइन कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, प्लस कोस 45 होता है 1/√2, कोस साइन 30 होता है रूट, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सोल्व कर लो इसको, सोल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 1/√3, क्या हो जाएगा √3/√2, प्लस हाँ क्या हो जाएगा 1/√2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या एलसीएम आ रहा बताओ, 2√2 एलसीएम आ जाएगा। सोल्व करो तो यहाँ क्या बन जाएगा √3+1, ये आपका क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दो नंबर में भी पूछा जा सकता है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं करवा लेता हूँ, कोट 75 वाला, या फिर 10/75 पहले कर लेते हैं हम लोग, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 10/75 की वैल्यू बताओ भाई, 10/75 की वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व कर लेते हैं। आओ देखो 10/75 को ब्रेक करो, 10/75 क्या हो जाए, 10/45 + 30, फॉर्मूला लगाओ, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, 10/45 + b, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है 10π/4 + b का क्या बताया था, देखो ऊपर जाके 1 + 10b/1 − 10b। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे लगा दो ये फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1 + 10 30/1 − 10 30। वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1 + 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 − 1/√3, ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, √3 एलसीएम आ गया ऊपर, यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर बता देता हूँ मैं साइड में, यहाँ से देखो ऊपर कुछ नहीं है मतलब ऊपर √3 एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। √3 एलसीएम लिया, 1 से √3 √3 बार जाएगा, एलसीएम लेना आता है 1 से √3 √3 बार जाएगा, √3 × 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 से √3 एक बार जाएगा और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3 − 1। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये वाली फॉर्म बन गई हमारी a/b / c/d वाली, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a/b तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले को ऊपर कर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये भी यही हो रहा है a/b / c/d, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा √3 + 1/√3 × √3/√3 − 1, ये √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास 3 + 1/√3 − 1, ये आपका क्या हो जाएगा। इससे आगे भी आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, बट इतना आंसर भी बिल्कुल सही है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो गए छोटे छोटे कुछ,
ये वाले दो नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले भी हो गए, फॉर्मूले अच्छे से लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, कुछ फॉर्मूले भी कर लिए। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूले को लिख लो आप अपनी कॉपी में, ताकि याद हो जाए। एक्सरसाइज 3 नाम से कॉपी में स्टार्ट, तो एक चैप्टर फॉर्मूले लिख लो, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में और भी वीडियोस में आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे की क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। और वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो और कमेंट भी करो, कुछ समझ में नहीं आता है तो। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।